रिकॉर्ड होते हैं, कुछ चेक भी होते हैं, ठीक है। चलो मैम इसके बाद पर होगी कि केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सुनाई नहीं दे रहा है, अब पढ़ाई करो, ठीक है। कल ये सब हमने कर लिया था बच्चे, पिछली क्लास में है ना, पिछली क्लास में हमने ये सब कर लिया है। बहुत इजी सा चैप्टर है ये, समझ में आ गया है सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है पिछली क्लास में? नो मैम, बहुत इजी सा चैप्टर है बच्चे। हाँ चलो अब हम ना थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सबको पता है सिट्रिक एसिड बनता है, विनेगर बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड किससे बनता है बच्चे? सिट्रिक एसिड फंगस से बनता है, स्पर्जिलस नाइगर से। मनीष मनीष आप बंद कीजिए अपना ये, मैम फंगाई से बनता है। हाँ माय, हाँ चलो ठीक है, फंगाई से बनता है। लैक्टिक एसिड किससे बनता है? इजी है बहुत, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड से बनता है, लैब से बनता है। और मैंने क्या बताया था, जो लैब वजाइना के एरिया में पाया जाता है और ये जो लैब है, दोनों अलग है ना, दोनों का स्पीशीज अलग है, दोनों का स्पीशीज बच्चे अलग होता है। चलो ठीक है, उतना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं साइक्लोस्पोरिन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए बच्चे ये फंगल किससे मिलता है? फंगस से मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि किससे मिलता है, फंगस से मिलता है। और किससे? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का नाम याद है, ये क्या करता है, क्या कॉज? स्लीपिंग सिकनेस। मैम स्लीपिंग सिकनेस पक्का? नो मैम, ये ट्राइकोडर्मा सीसी फ्लाई करता है, स्लीपिंग सिकनेस। मैम ट्राइकोडर्मा जो है ना मैम, वो एलिफेंट टेसिस करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सब गलत बोल रहे हो, ट्राइकोडर्मा है बच्चे, डर्मा है, डर्मा मैम स्किन, स्किन रिलेटेड है। यस मैम, हां डर्मा है ना, तो स्किन, स्किन के इश्यूज करेगा ना, स्किन में दाग जो सब होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पॉलीस्पोरम। इसके पास बहुत सारे स्पोर्स है, ऐसे याद रखना, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स हैं। ये क्या करता है? साइक्लोस्पोरिन, यहाँ भी पोर्स है, यहाँ भी क्या है? पोर्स है। पॉली से याद, पॉली और पोरिन, ऐसे याद रखना, पॉली और पोरिन, ठीक है। ये करता क्या है? ट्राइकोडर्मा वायराइड क्या है? इम्यूनो, इम्यूनो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम लिखा है, ठीक। ये इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनो सप्रेसेंट। इसका मतलब क्या होता है? मान लो, मान लो कोई ए नाम का बंदा है, ठीक है, उसका नाम है ए। ए नाम के बंदे ने अपनी किडनी, अपनी किडनी जो है बी नाम के बंदे को देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बी नाम का जो बंदा है उसकी किडनी, उसके जो सेल्स हैं, उसकी जो बॉडी है, ए की किडनी को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करना चाहेंगे। नो मैम, नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस समय एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम क्या डालेंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट डालेंगे उसकी बॉडी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या डालेंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट। तो क्या होगा? उसकी इम्यून सिस्टम उस समय कुछ समय के लिए क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, ठीक। और फिर धीरे धीरे उसका बॉडी क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ये इम्यूनो सप्रेसेंट किसकी देन है बच्चे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की देन है। तो ये बीमारी तो कॉज करता है, लेकिन ये अच्छा काम भी करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। तो ऑब्वियसली हम इसको किस तरह से यूज करते होंगे? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके करते होंगे, क्योंकि जो अच्छा काम करता है खराब भी करता है, तो हम उसको दो तरीके से यूज करते हैं ना। इसमें जब इम्यूनो सप्रेसेंट डाला जाता है तो मैम इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होंगे ना बीमारी को लेने के? नहीं नहीं नहीं, उस समय बच्चे डाल के बस कुछ अमाउंट में डाला जाता होगा, और ऐसा थोड़ी कि बंदा किडनी किडनी ले रहा है उसके जगह पे उसको एड्स हो गया, इम्यून सप्रेस हो गया तो एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ एक लिमिटेड अमाउंट होता होगा, कुछ एक लिमिटेड कंडीशन में दिया जाता होगा, ताकि दूसरे बीमारी ना हो,
ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। इसके बाद आपकी बुक में लिखा ठीक है स्टैटिन्स, उसके बाद है स्टैटिन्स, ठीक स्टैटिन्स, स्टैटिन्स बच्चे ईस्ट से मिलता है, स्टैटिन किससे मिलता है, ईस्ट से मिलता है। लेट आई हो क्या रति स्वाति? साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये दवाई है एक तरह की, ये केमिकल है जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है, ये इम्यूनो सप्रेसेंट है। अगर किसी की बॉडी में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है किसी भी कंडीशन से तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है उस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या करता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देकर के। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स किससे मिलता है, ईस्ट से मिलता है और मोनास्कस, ठीक है मोनास्कस, और इसका आगे क्या है परपोसा, इस टाइप का नाम है ना इसका, क्या नाम है मैम, परप्यूरोसा है ना। तो इसको कैसे याद रखना है बच्चे, कैसे याद रखना है, परप्यूरियस करके कुछ है, परप्यूरियस इसमें आर ई यू एस, अच्छा आर ई यू एस, चलो ठीक है आर ई यू एस, स्पेलिंग भूलते हैं इनका। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि जो मोना मोना है ना, मोना मोना का पर्पस क्या है, मोना की लाइफ का पर्पस क्या है, मोना की लाइफ का पर्पस है कि कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। मोना की लाइफ का पर्पस है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करना, स्टैटिक बना के रखना, स्टैटिक याद रहेगा ठीक है, yes, याद रहेगा yes. तो कोलेस्ट्रॉल तो मेडिसिन है क्या? हाँ, तो बच्चे जिसमें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाँ कोलेस्ट्रॉल अगर किसी में बढ़ गया है तो हम क्या देते हैं, स्टैटिन्स देते हैं। और ये स्टैटिन्स किसकी तरह काम करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है, इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब मतलब कि जो एंजाइम, जो एंजाइम क्या बना रहे हैं, ये एक एंजाइम है, ये क्या बना रहा है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, ठीक है ये क्या बना रहा है, किसी चीज से कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, ठीक जो आप खा रहे हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। अब ये स्टैटिन्स आ जाएगा यहाँ पे और स्टैटिन्स जाके लग जाएगा तो आपका ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये इनहिबिटर की तरह काम करता है, कौन स्टैटिन्स, कौन काम करता है इनहिबिटर की तरह, स्टैटिन्स। मैम हम ये बोल रहे थे कि मैम जैसे जब आप बोलते हो मैम, काफी सारे बच्चे जब एक साथ बोलते हैं ना तो आपके बाद ठीक से समझ नहीं, सेम प्रॉब्लम मेरे को भी, बोला करो यार अब ना, हाथ हैंड रेस किया करो, जब मैं चुप हो जाया करूं उसके बाद बोला करो, सच में डिस्टर्ब होता है। चैलेंज वाला बताया ना सबने, इतना बोला कि मेरे को समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल आवाज मिक्स हो गई। हाँ तो अब आपको कोई नहीं बोलेगा जब तक जब मैं बोल रही हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, जब मैं रुक जाऊंगी मैं पूछूंगी कि कोई डाउट है तब बोलोगे, ठीक है तब बोलोगे, वो भी हैंड रेस करोगे, मैं एक एक करके बोलूंगी, सच में डिस्टर्बेंस होता है। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स बच्चे ईस्ट से मिलता है, उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरस। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या दी है कि जो मोना है, मोना की लाइफ का पर्पस क्या है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने नहीं देना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टैटिक रखना है, ठीक है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देना है, स्टैटिक रखना है। मोना की लाइफ का पर्पस यही है कि आपके जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल एक स्टेबल बना रहे। तो ये कैसे काम करती है मोना, मोना जो है ये क्या बना रही है, स्टैटिन बना रही है। ये स्टैटिन क्या करता है, जाकर के इनहिबिटर की तरह काम करता है। आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि एंजाइम है, ठीक है ये एंजाइम क्या बनाता है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई करता है। तो मान लो कोई फैट है, कोई फैट मॉलिक्यूल है, इससे कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और उसी के जैसा ये भेस बदल लेता है स्टैटिन और जाके यहाँ लग जाता है, जाके यहाँ लग जाता है और इसको नहीं बनाने देता है, क्या नहीं बनाने देता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है
इसको नहीं बनाने देता है कोलेस्ट्रॉल। आपने सत्ते पे सत्ता मूवी देखी है ना सबने, है ना? सत्ता आपने एक आपने दूसरी कोई मूवी देखी होगी जिसमें कि डबल रोल होंगे हीरोज के, डबल रोल होंगे। ठीक है, डबल रोल होंगे हीरो के जिसमें ना मतलब लड़की कंफ्यूज हो जाए कि भाई मेरा असली वाला हस्बैंड कौन है। जुड़वा टू है ना, उसमें तो कंफ्यूज ही होती है। अच्छा ठीक है, मैंने एक सैंडविच मूवी है वो देखी है। ठीक है बस हो गया, उसके बारे में कितना बता रहे हो। हाँ ठीक है, तो वैसे ही बच्चे, वैसे ही आपका एंजाइम्स कंफ्यूज हो जाता है, वैसे ही एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में असली वाला कौन सा है, किसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लग जाता है आपका स्टैटिन और ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रोटीन होता है, ये हमने पढ़ा था। इंटरफेरॉन प्रोटीन आर रिलीज बाय द सेल इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जिस सेल में वायरल इन्फेक्शन होगा वो चीख चीख के बोलेगा, है ना, वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगा और बताएगा कि भाई मैं वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, आओ और मुझे मार डालो, और दूसरे सेल को बचाता है। ठीक है, उसी से पता चलता है कि इसके घर में क्या है, चोर घुस चुका है, इंटरफेरॉन रिलीज करता है। तो इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स विस्मैन थ्रू ई कोलाई। अब देखो ई कोलाई का स्ट्रेन लेकर के भी हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट, और ये जो इंटरफेरॉन है ये किस सेल से प्रोड्यूस होते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल से, बी वाले फाइब्रोब्लास्ट से, और जो इंटरफेरॉन जो गामा वाले हैं प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेटेड टी लिम्फोसाइट। तो ये किसमें हेल्प कर रहा है बच्चे, हाँ सॉरी, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है, ई कोलाई से भी हम एक्स्ट्रा अलग से आपका इंटरफेरॉन बना सकते हैं, हमारी बॉडी में भी इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब हम जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, बहुत ध्यान से इसके पूरे प्रोसेस को सुनना, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, दुनिया भर की वीडियोस देखते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे, समझे? तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे पहले सीवेज है क्या, सीवेज क्या है, आपके घर में जो आपने हैंड वॉश किया हाँ उसका पानी, आपने जो बर्तन धोए उसका पानी, आप सुबह सुबह हल्के होने के बाद जो फ्लश किया उसका पानी, तो सारा पानी और इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो सब कुछ कहाँ जा रहा है, नाले में जा रहा है ना, नाले में जा रहा है, एक नाले से होके जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या डायरेक्ट नदी में चला जाता है, क्या आपने जो फ्लश किया है वो डायरेक्ट नदी में होता है, तो अभी नदी भरा नहीं होता है ना बच्चे, ये सारा पानी जो आपने बर्तन धोया है, जो फ्लश किया है, जो हाथ धोया है, जो कुल्ला किया है, जो फेस वॉश किया है, ये सारा पानी घूम फिर के आप ही के पास आता है। ठीक है, ये सारा पानी फिर घूम फिर करके आप ही के पास आता है, इतनी बात पता है ना सबको, समझ गए? तो यही सब पानी बच्चे घूम फिर के आपके पास आता है, इसलिए बोला जाता है ना वो बेसिन वगैरह में आपको ऑयल नहीं डालना चाहिए, फिर ये हेयर्स नहीं डालने चाहिए, हाँ सब नहीं डालने चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो ये है ना पॉट, इसका जो पानी है गया, इसका पानी गया है ना, कहाँ जाएगा इसका पानी बच्चे, गटर में, टैंक में, है ना, गटर में, और यहाँ से इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उसका वेस्ट इसमें मिल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट, फिर मान लो एग्रीकल्चर है, ठीक है, फील्ड है उसका वेस्ट इसमें मिल रहा है, सारा वेस्ट मिल करके जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए।
ठीक है, इस ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा प्रायर टू डिस्पोजल इन वॉटर बॉडीज। इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करेंगे, इसको पूरा साफ करेंगे और फिर इस पानी में, ठीक है, हमने कहाँ डाल दिया, एसटीपी में, और इसके बाद पूरे पानी को कहाँ छोड़ दिया जाएगा, कहाँ छोड़ दिया जाएगा, रिवर में, ठीक है, इस पानी को रिवर में छोड़ दिया जाएगा। आपके दिल्ली में ना कहीं कहीं पे अच्छे से पानी साफ नहीं होता है, तभी आप देखोगे बीच बीच में न्यूज में आता है कि दिल्ली में पूरे पानी में व्हाइट व्हाइट झाग से होते हैं। यस मैम, यमुना नदी में मैम, यमुना में। हाँ, इसका मतलब जो है, और जबकि यमुना एक्शन प्लान चल रहा है, तो बच्चे इसका मतलब कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं पे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ओके, सो प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो मेथड होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम ज्यादातर क्या करेंगे, कचड़ा वगैरह हटाएंगे, उसका ऊपर ऊपर का माल मटेरियल हटाएंगे, ठीक है। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस, आपको याद रखना, क्लास ट्वेल्थ में ये आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। यस मैम, ठीक है, ये क्लास ट्वेल्थ में आपको लॉन्ग में आ सकता है या फिर छोटे छोटे डेफिनेशंस के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, इस तरह से आ सकता है, तो ध्यान से सुनो। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम सीवेज थ्रू सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो बड़े और छोटे जो कचड़े होंगे, नाले का पानी कभी देखा है, नाले के पानी में रैपर्स होते हैं, पत्थर होते हैं, सॉइल होता है, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी गंदगी होती है ना नाले के पानी में, बहुत कुछ होता है, तो वैसा ही लगता है वो भी। तो जो सीवेज का जो पानी है बच्चे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको पहले अलग करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, हाँ, और हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। आपने केमिस्ट्री में सेडिमेंटेशन पढ़ा होगा। यस मैम, सुपरनेटेंट और सेडिमेंट, सुपरनेटेंट और सेडिमेंट पढ़ा है ना, तो बच्चे उसमें क्या होता है, आप किसी भी चीज को ऐसे बहुत तेजी से ऐसे डालो और उसको छोड़ दो, है ना, या फिर मिक्स करो या छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद जो भारी वाले होंगे नीचे जम जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, और जो ऊपर रह जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट, है ना, सेडिमेंट और सुपर नेटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम वो मेथड अपनाएंगे। ऑल सॉलिड्स, क्या हुआ स्वाति, मैम बायोमोलिक्यूल्स में एक वो होता है ना, उसमें जो छन जाता है मैम वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, कितना रिटेंटेड, रिटेंटेड वाला, हाँ ठीक है, वो अलग है, ठीक है, वो मतलब वर्ड अलग है, और वो छन्नी है बच्चे, वहां पे फिल्टर कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिए थोड़ी देर तक, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, जो नीचे जो है पेबल्स वगैरह आ गए और ऊपर हल्की हल्की चीजें, ऑयल और फिर जो किचन वेस्ट टाइप के जो हल्की फुल्की चीजें हैं वो सारी ऊपर है। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, जो सेटल हो जाती है वो क्या बनाती है, प्राइमरी स्लज बनती है। जो सेटल हो जाएंगी, जो सेटल हो जाएंगी, जो कीचड़ की तरह हो जाएंगी, नीचे कौन सेटल होगा, सैंड, छोटे छोटे पेबल्स, है ना, वो और कुछ कीचड़ जैसा जो भी होगा वो सेटल हो जाएंगे और वो क्या बन, उनको क्या बोलेंगे, स्लज, ठीक, स्लज। एंड द सुपर नेटेंट, जो ऊपर ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर नेटेंट, जो ऊपर होगा उसको क्या बोले, वो क्या बनाएंगे, इफ्लुएंट, सुपर नेटेंट क्या बनाएंगे, इफ्लुएंट। ये दोनों टर्म आपको याद रखने, नीचे वाले को अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया, एक ग्लास में पानी लिया जो बहुत गंदा था, पेबल्स, पत्ते वगैरह, ठीक है, ऑयल वगैरह सब कुछ था उसमें, आलू कहाँ है, आलू दे दो मसाला डाल के, वाह वाह वाह, अरे भाई जब यही करना है तो माइक तो बंद रखा करो, आलू दे दो, प्याज दे दो, सॉरी मैम मैंने देखा नहीं, खाना खा रहा है मैम, समझ गए। तो पेबल्स जो हैं बच्चे, पेबल्स
आपके जो सैंड है वो सब नीचे आ जाएंगे और ऊपर क्या रहेगा, ऑयल होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऑयल होगा और पतली पतली जो तिनके वगैरह वो सारी चीजें और आपका ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ, ठीक, बैक्टीरिया वगैरह ये सब ऊपर रहेंगे। तो ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया, इफ्लुएंट, और नीचे वाले को क्या बोल दिया, स्लज बोल दिया, याद रखना है ये आपको, ठीक है। प्राइमरी स्लज कैन बी प्रिपेयरिंग कंपोस्ट। अब इस स्लज का हमको कोई काम नहीं है, इस स्लज को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेंगे इसको, और हम इसको क्या करेंगे, मैन्योर बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चे, मैन्योर, ठीक है, ओके। सैली बोलो। मैम वो मैं पूछ रही थी, मैम स्लज का क्या मीनिंग होता है, क्या स्लज का क्या मीनिंग होता है, जैसे इसमें वर्ड आया प्राइमरी स्लज, स्लज का क्या नेमिंग होता है, मीनिंग। स्लज मतलब जैसे कीचड़ टाइप की चीजें होती है ना, कीचड़ टाइप की चीजें, बिल्कुल मिक्स, गंदी, दलदल जैसी चीजें, उसको स्लज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी स्लज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले ये स्लज निकला, इसका मतलब अभी और स्लज निकलेगा, समझ गए, अभी और भी स्लज निकलने वाला है। तो, मैम मैन्योर क्या होता है, वाह, खाद, खाद को कहते हैं मैन्योर, और कंपोस्ट यूज करेंगे, मैन्योर और कंपोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। मैम इसी से यूरिया वूरिया बनता है, डायरेक्टली और यूज्ड इन जनरेशन ऑफ बायोगैस, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे या फिर बायोगैस बनाने में इसको हम यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ मैन्योर क्या होता है, वाह वाह वाह, सब मेरे ही बैच में भरे पड़े हो। खाद को बोलते हैं बच्चे, जो खाद है ना, जो हाँ डालने के लिए लेके जाते हो ना खाद, ठीक है, फर्टिलाइजर इज डिफरेंट थिंग। हाँ मैन्योर जो आपका जो से मिलकर के बना है, वो नेचुरली ऑब्टेनिंग खाद जो हम करते हैं, नेचुरली ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो होता है, ठीक। अब देखो क्या होगा इस पूरे प्रोसेस में, समझो होगा क्या, सबसे पहले ये सीवेज का वाटर आया, ठीक, सीवेज का वाटर आया, ओके, सीवेज का वाटर आ गया बहुत सारी गंदगी के साथ। अब यहाँ पे लगा है बच्चे एक स्लिट लगा है, ठीक, एक टैंक में डाला गया जिसमें स्लिट लगा है। अब ये स्लिट क्या करेगा, जो बड़े बड़े प्लास्टिक्स हैं, है ना, कुरकुरे वगैरह जो खाए हो, जो बड़े बड़े प्लास्टिक्स हैं, कुछ लेदर हैं, कुछ और भी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो उन सबको क्या करेगा, रोक लेगा इधर ही, वो उन सबको इधर ही रोक लेगा। अब आगे ये चला गया, आगे ये चला गया फिल्टर हो, फिल्टर होने के बाद यहाँ पे इसको बच्चे सेडिमेंटेशन टैंक में डाला गया, ठीक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि जो छोटे छोटे पेबल्स हैं, सैंड है, और जो छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट हैं, जो कीचड़ की तरह बन गए हैं, वो क्या होगा बच्चे, ये आपका नीचे बैठ गया, ठीक है, ये आपका नीचे बैठ गया। इसके बाद इसको देखो, इसमें लिखा है कि एक बार और होता है, एक्चुअली यहीं से निकाल लिया जाता है, ठीक है, इस यहीं से निकाल लिया जाता है, किसी किसी में दो बार होता होगा। तो ये मान लो, चलो हमने फिर से इसको डाला सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, अब क्या है, पूरा का पूरा हमारा जो है स्लज कीचड़ जो है तैयार हो गया, और हमने स्लज को क्या किया, निकाल लिया, यहीं से स्लज को निकाल लिया। और स्लज को निकालने के बाद हमने इसको क्या किया बच्चे, मैन्योर बना लिया, ठीक है, इसका खाद बना लिया। जैसे घर में भी जो किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट को लेकर के अगर आप मिट्टी के साथ मिला के रख दो और एक पॉट में बंद कर दो, तो कुछ दिन बाद वो मैन्योर बन जाता है। घर में लोग अब खाद बनाते हैं और उस मैन्योर को आप डालेंगे प्लांट्स में तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजर वगैरह से ज्यादा बेटर होता है। अब क्या करेंगे बच्चे इसको, अब हम नीचे वाले से तो मतलब नहीं, अब हमारे पास क्या है, ये ब्लू वाला है, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास। हम इसको दूसरे टैंक में डालेंगे, इस टैंक का क्या नाम है, एरेशन टैंक, किसमें डालेंगे, एरेशन टैंक।
तो ऑब्वियस सी बात है एरेसन टैंक में क्या होगा, एरेसन टैंक में बच्चे हवा दी जाती है, हवा ब्लो कराई जाती है, ब्लो कराई जाती है, और एयर ब्लो कराने के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से चक्री लगी हुई होती है जो क्या करेगी, टर्न करेगी। याद आया आप लोगों को इस तरह का मैंने एक बार और पढ़ाया है? यस मैम। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में लास्ट में याद आया की प्रॉपरली एयर इक्वली मिलती रहे, लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे स्लिट का यूज किया गया है। मैंने बताया था कि अब क्या होता है, छोटे छोटे जैसे आप उसमें डालते हैं एक्वेरियम में पोर्स होते हैं तो उसमें क्या निकलता है, बबल्स निकलता है, तो पूरे जगह पे एयर इक्वली आपका क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो एयर बिल्कुल फैल जा रहा है, तो यहाँ पे एयर क्यों दिया जा रहा है बच्चे, एयर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स है। कैसे माइक्रोब्स है बच्चे, ऑब्वियसली एरोबिक होंगे, एरोबिक होंगे तभी तो इनको क्या चाहिए, हवा चाहिए। हाँ, इनके पास यहाँ पे होते हैं बैक्टीरिया और फंगाई बहुत ज्यादा, ठीक है, तो हम एयर देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया और फंगाई बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा ग्रो, और ज्यादा ग्रो करें, क्योंकि यहाँ क्या निकलेगा बच्चे, ऑक्सीजन निकलेगा। जब हवा घूमेगी ऐसे या फिर नीचे से बबल्स निकलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यूज करके मल्टीप्लाई होंगे, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो वो मर नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एरेसन टैंक में उनको हवा दी जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो जिंदा रहे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका बीओडी, क्या आता है, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सो रहे हो, दिमाग चांद तारों में है, कहीं और खोए हो तो यहाँ आ जाओ वापस। बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो जितना ज्यादा कचरा पानी में, जितनी ज्यादा गंदगी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपके जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उन ऑर्गेनिक मैटर को खाने में। तो ऑर्गेनिक मैटर को खाने में टाइम लगेगा तो उनको उतना टाइम ऑक्सीजन भी तो चाहिए। वही है बच्चे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उनको डिमांड किसको है, आपको नहीं है, किसको डिमांड है बच्चे, माइक्रोब्स को डिमांड। माइक्रोब्स क्यों डिमांड है, क्योंकि आपके पानी में है कचरा, उसको वो करेंगे साफ, तो उसको साफ करने के लिए उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और जल्दी जल्दी आपका क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर साफ करेंगे। तो बायोलॉजी बीओडी अगर बढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि हाई बीओडी का मतलब क्या होता है। हाई बीओडी मींस मींस प्योर वाटर पॉपुलेशन, प्योर वाटर या इम्प्योर वाटर, इम्प्योर इम्प्योर, प्योर कहां से, इम्प्योर वाटर। मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, यहाँ लिख दू बीओडी, ठीक है, बीओडी आपका ये टैंक है, ये टैंक है, इसमें बहुत ज्यादा भरा हुआ है, क्या बहुत ज्यादा क्या भरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, क्या भरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। और इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन पसंद करता है, जो पॉटी वगैरह है सब, इसको कौन पसंद करता है, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स, इसके अंदर कौन है, माइक्रोब्स, खाएंगे तभी जब जिंदा रहेंगे। तो इसलिए हम क्या देते हैं इनको, इनको क्या देते हैं बच्चे, एयर देते हैं ना, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होगा,
बीओडी जब हम चेक करेंगे इस वाटर का, बीओडी जब हम चेक करेंगे, मशीन आती है चेक करने की, बीओडी अगर हम चेक करेंगे तो इस वाटर का जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, यहाँ पे बीओडी 600 से ज्यादा होगा। ठीक है, 600 से इसकी यूनिट क्या होती है, 600 पर एमएल, 600 कुछ यहाँ पे होता है यार, मिलीग्राम कुछ होता है, ठीक है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो ये 600 से ज्यादा होती है, 600 या 600 से ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपके 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 घर में जो पानी आया है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर चेक करेंगे तो वो कितना होगा, लेस देन 0.5 होगा। समझ गए? तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, इनकी डिमांड बढ़ रही है, ये क्या बोल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन दो। ठीक है, ये क्या मांग रहे हैं, ऑक्सीजन दो तब तो हम खाएंगे। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो, तो इनकी डिमांड है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए, ऐसे याद रहेगा अब आपको। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, बायोकेमिकल बोलो, बायोलॉजिकल बोलो। ठीक है, बायोलॉजिकल, कहीं पे बायोलॉजिकल लिखा रहता है, कहीं पे बायोकेमिकल लिखा रहता है। वो क्या लिखा है, मेरा लेफ्ट हो गया इतना। मैं ये बोल रही थी कि अगर अगर आपका इम्प्योरिटी ज्यादा है, ठीक है, इम्प्योरिटी ज्यादा है, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, इम्प्योरिटीज ज्यादा है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 600 से ज्यादा होगा, 600 या 600 से ज्यादा। और अगर अगर आपकी इम्प्योरिटीज कम है हाउस होल्ड वाटर में, हाउस होल्ड वाटर में कितना होना चाहिए, हाउस होल्ड वाटर में 0.5 से कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है इसका मतलब आपका वाटर प्योर नहीं है, उसमें उसमें भाई गंदगी है। समझ गए? तो हाउस होल्ड वाटर में 0.5 से कम होना चाहिए, और इतना किसमें रहता है, सीवेज वाटर में। ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये का हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स हैं। अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं बच्चे, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका ये है बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है, ये सब मिलकर के ना एक एसोसिएशन बनाते हैं, चलो यार साथ में रहते हैं। ठीक है, चलो यार साथ में रहते हैं, मिल बांट के खाएंगे, और ये यहाँ पे एक साथ मिल जाते हैं और फ्लॉक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक फ्लॉक बनाते हैं, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें मिल गई, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, फिर इधर फंगी, ये सब मिल करके ना कैसा बना देते हैं, जैसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता कैसा लगता है, अगर टुकड़े टुकड़े कर दो, हाँ ऐसा टुकड़े टुकड़े जैसा है ना, थोड़ा मोटा मोटा सा ऐसा, ठीक है, हाँ वेब लाइक, ठीक है, वेब लाइक ये क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक, क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप को एक फ्लॉक बोलते हैं ना, FLOC, फ्लॉक। ठीक, तो ये फ्लॉक बना देते हैं, उसके बाद बच्चे इसको हम नेक्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं। क्यों डालते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी सीवेज की चीजें थी उसको इन्होंने खा लिया। हमारा पानी तो साफ हो चुका ना, हमारा पानी साफ हो चुका, और नीचे क्या बचा है, यही सारे बैक्टीरिया बचे, सारे बैक्टीरिया, फंगी, फ्लॉक बचा है। तो वो फ्लॉक चूंकि भारी हो गया, क्योंकि इन लोगों ने गलती की, इन लोगों ने क्या सोचा कि एकता में बल है, साथ मिलके काम करेंगे, है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हो गया भारी हो गए, तो हमारा काम तो निकल गया ना, हमने क्या किया कि साफ पानी ऊपर आ गया, हमारा सेडिमेंटेशन टैंक में डाले तो साफ पानी ऊपर, और ये सब कहां चले गए, नीचे, सब कहां चले गए, नीचे चले गए। हाँ, नीचे ऊपर नहीं तैरेंगे अभी, ये क्योंकि ये भारी हो गए, अब ये भारी हो गए, एसोसिएशन बना लिए, नेट लाइक बना लिए, खा पी के बिल्कुल मोटे चौड़े हो गए, भारी हो गए, नीचे चले गए। अब ये दूसरा क्या है बच्चे, एक्टिवेटेड स्लज। पहला था प्राइमरी स्लज जो कि एक्टिवेटेड नहीं था,
जो जिसमें कुछ है नहीं, जिसमें क्या है कीचड़, और दूसरा क्या एक्टिवेटेड स्लज। क्यों बोल रहे हैं इसको एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये स्लज जब हम निकालेंगे और आपके प्राइमरी स्लज में जब मिलाएंगे और ये माइक्रोब्स यहाँ जाएंगे, माइक्रोब्स यहाँ जाएंगे तो ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे, जितना भी आपका कीचड़ वाला सामान है इसको डाइजेस्ट कर देंगे और तब जाके आपको क्या मिलेगा, मेन्योर। समझ गए? ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको छाना, ठीक है, सबसे पहले उसको मतलब छाना, एक स्लिट लगा दिया, तो बड़ी बड़ी चीजें जो भी बड़ा बड़ा रैपर वगैरह था वो सब अलग हो गया। इसके बाद हमने क्या डाल दिया उसको, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में डाल दिया, तो ग्रिट सैंड अलग हो गया। उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, तो आपका और भी जो बारीक चीजें थी और भी जो कीचड़ था सब कुछ जो मिक्स हो चुका था, ठीक है, वो सब नीचे आ गया, उसको हमने यूज कर लिया। वो जो मिक्स होता है वो क्या मिक्स होता है बच्चे, जैसे मान लो उसमें क्या रहता होगा, उसमें रहता होगा किचन का थोड़ा बहुत वेस्ट, तभी तो वो मैन्योर बना रहा है ना, किचन का घास वगैरह सब मिल के है क्या बना रहे हैं, कीचड़ सा बना रहा है, और वो आकर के कहाँ चला गया आपके इसमें डाइजेस्टर टैंक में चला जाता है, ठीक। और जो मैम ये जो स्लज था इसको डायरेक्ट उसी से हम क्या बना रहे हैं, मैन्योर बना रहे हैं स्लज से। मैम ये डायग्राम आता है क्या बोर्ड में, आपको बनाना है ना, आपको बनाना है। चलो मैं इजी तरीके से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या है बच्चे, ठीक है, सबसे पहले ये गंदगी है, ये आई, चलो एक ही जगह से ले रहे हैं, ठीक है, ये गंदगी आई, ओके, ये कहां लेकर के जाएंगे हम, कहां किस में डालेंगे, स्लिट वाले में डालेंगे, किस में डालेंगे, स्लिट वाले में डालेंगे, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना कि सिर्फ गंदगी यहां से नहीं आएगी, इंडस्ट्री से भी आएगी, अलग अलग जगह से आएगी, ठीक है, ठीक है। हर दिन 800 मिलियन गैलन, 800 मिलियन गैलन आपका गंदगी निकलता है, समझ गए, 800 मिलियन गैलन क्या मैम, गैलन क्या यूनिट है, गैलन कनेक्टर जो होता है दूध का मैम, क्या मेजरमेंट आपको है यार। आपको बच्चे मतलब आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब अगर कोई वीडियो देखेगा तो ये लोग फोटोन में आए कैसे हैं, ये लोग फोटोन में आए कैसे, अभी भी वही है, ठीक है। अब ये क्या है, स्लिट है, ये क्या है, स्लिट है, यहाँ पे इसमें क्या होंगे, बड़े बड़े पोर्स होंगे, तो ये क्या करेगा, जो बड़े बड़े मटेरियल हैं उन सबको इधर ही रख देगा, जो बड़े बड़े प्लास्टिक हैं, बड़े बड़े जो मटेरियल्स हैं उसको इधर ही रख लेगा, और इधर हमारे पास क्या बच गया बच्चे, इधर हमारे पास क्या बच गया, वाटर बच गया, माइक्रोब्स बच गए, और साथ में क्या है, इधर क्या बच गया, वाटर माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स सैंड, सैंड छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स, और क्या बच गया, स्लग, और ठीक है, ऑर्गेनिक आवाज आ रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट मुझे तो नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब बच्चे मैम आपके माइक से कोई बोल रहा है पीछे से, यस मैम, अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं मेरा ये वाला माइक अभी काम नहीं कर रहा है, नहीं तो ये ना नॉइस कैंसिलेशन करता था, दूसरे माइक से ना पीछे थोड़ी भी आवाज आती है तो आप लोग को डिस्टर्ब हो जाता, मैं सोचूं मुझे नहीं आ रही। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, किसमें डालेंगे, अब तुम लोग बताते जाओगे किसमें डालेंगे, जल्दी बताओ, देखें किसने ध्यान से सुना है, बस मैम सेडिमेंटेशन टैंक, हाँ, अब हम इसको किसमें डालेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा बच्चे, सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, नीचे नीचे सारे पेबल्स वगैरह और जो भी और भी चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, और ऊपर आपका क्या है,
ऊपर आपका हल्का फुल्का जो तैरने वाले जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, वो सब ऊपर ही रहेगा और इसमें क्या है माइक्रोब्स भी। अब ये जो सेडिमेंटेशन वेस्ट आया इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ले लें, ठीक है मैम। इसके बाद वाले डब्बे से लिया था ना, अरे वो उसमें ज्यादा दिया है एक्स्ट्रा, आपको जो मैं बना के दे रही हूँ वो ठीक है। इसको हम डाल देंगे किसमें, डाइजेस्टर टैंक, किसमें डालेंगे डाइजेस्टर टैंक में डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, ये जो लिक्विड है इसको लेंगे, इसको किसमें डालेंगे बताओ जल्दी। अब इसको क्या चाहिए, एरेशन है ना, एरेशन चाहिए, तो हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चे, हवा दे रहे हैं, ठीक है, एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में और क्या लगा होता है बीच बीच में क्या लगे हुए होते हैं, ऐसे व्हील्स है ना, जो हवा को क्या करेंगे पानी को रोटेट करते रहेंगे, तो इक्वली हर जगह एयर क्या होगी, फैलती जाएगी, ठीक है। इसमें बीओडी आ जाएगा, हाँ ठीक है, बीओडी आ नहीं जाएगा, मैंने बताया था कि बीओडी यहाँ भी है, बीओडी यहाँ भी है, हर जगह बीओडी। मैंने एक टर्म बताया कि अगर किसी वाटर में बीओडी ज्यादा है इसका मतलब वो गंदा पानी है, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, और बीओडी कम है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें क्या है, कम है, ठीक है, समझ गए। घर के पानी में बीओडी कम होता है, सीवेज वाले पानी में बीओडी ज्यादा होता है, ठीक ओके। तो यहाँ क्या है बच्चे, माइक्रोब्स कम होगा तो बीओडी कम होगा, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, आपका घर का पानी साफ है, ठीक है। अगर यही पे बीओडी कम हो गया इसका मतलब ये पानी साफ हो चुका है, समझ गए। तो बीओडी चेक किया जाता है यहाँ पे कि कितना साफ हुआ है पानी, समझ गए, ठीक। ध्यान से सुनते नहीं यार तुम लोग, लेकिन आजकल क्या मतलब इतना ज्ञान बांटने का, चलो ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एक और चीज होगी, ये सब तो हो रहा है, साथ में क्या बन जाएगा बच्चे, ऊपर में फ्लॉक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऊपर में फ्लॉक बन जाएगा, यहाँ भी बनेगा फ्लॉक, यहाँ भी है, अब ये एसोसिएशन कर रहे हैं, ये क्या बन गया है, फ्लॉक बन गया, ये क्या बन गया है, फ्लॉक बन गया, ठीक है। और ये आपका सब कुछ है, इसमें पूरा फ्लॉक प्रेजेंट है, पूरे वाटर में क्या प्रेजेंट है, ये ऐसे फ्लॉक प्रेजेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे टैंक में डालेंगे, दूसरे सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा बच्चे, मैम जो फ्लॉक्स होगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो उसे डाइजेस्टर में डाल देंगे, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि फ्लॉक नीचे बैठ जाएंगे, ये जो बने हैं फ्लॉक ये नीचे बैठ जाएंगे, ठीक, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या, साफ पानी, ठीक है। ऊपर आपके पास अब क्या आ गया, ये जो ऐसा पानी है उसको हम कैसे दर्शा रहे हैं, साफ पानी से, ठीक है, प्योर वाटर, ये कैसे आ गया, प्योर वाटर आ गया, बहुत प्योर नहीं होता लेकिन अब इसको रिवर में डालने लायक है, लेकिन अभी भी हम नहीं डालेंगे, ठीक है। ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है। अब फिर से सेडिमेंटेशन टैंक से हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, एक पाइप, और इसको क्या करेंगे, फ्लॉक को इसमें डाल देंगे, ठीक है, फ्लॉक को इसमें डाल देंगे। अब यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चे, मैन्योर, ठीक है। अब इस मैन्योर को हम यूज कर लेंगे, मैन्योर को यूज कर लेंगे कहाँ पे, फील्ड में, ठीक है, हम खेत में इसको यूज कर लेंगे, ओके। और ये जो आपका देखो हमने क्या किया, पहले इनसे काम कराया, फिर इनको हमने क्या कर दिया बच्चे, यहाँ डाल करके हमने इनको मार डाला, समझ गए, हाँ, पहले हमने इनसे काम कराया और इसके बाद हमारा जब काम निकल गया तो हमने इनको मार डाला, ठीक, एक तीर से दो निशान, बॉलीवुड मूवी की तरह, ठीक है। तो बच्चे ये है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट,
ये आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और जैसे ही आप एडिशन करते हैं तो ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, ठीक। क्या है सेकेंडरी ट्रीटमेंट? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये जितनी चीजें हुई, इधर वाली चीजें प्राइमरी हैं और सेकेंडरी वाली आपकी इधर एरेशन वाली हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया आए इनको यहाँ पे डाल दिया, इसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन एरोबिक बैक्टीरिया को मार डालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, हवा तो मिल नहीं रही है, वो ऐसे भी मरते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया भी उनको मारते हैं और पूरी तरह से सब मर मरा के सारी डेड बॉडीज बन जाती है और क्या बन जाता है, मैन्यूर। और हमारे पास इधर प्योर वाटर भी आ जाता है। नाउ दिस प्योर वाटर इज रेडी, ठीक है, रेडी टू रिवर में छोड़ना। ठीक है, अब इसको हम रिवर में डाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम, है ना, है ना, समझ में आ गया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जल्दी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बहुत इजी से हमने इसको समझ लिया, बहुत इजी लगा। हाँ ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं बन दीजिए, इसको रिपीट कर लेंगे बाद में। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बच्चे सेटिंग हो रही है ना, टैंक है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, स्लज निकल रहा है, हमको ग्रिट रिमूवल कर रहे हैं, प्राइमरी स्लज मिला। और सेकेंडरी में हमने क्या डाला, एरेशन टैंक लिया और उसमें माइक्रोब्स डाले। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल क्या हो रहा है, फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल मेथड हम बोलेंगे इसको, बायोकेमिकल मेथड। हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, मेनली हम इसमें यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स का। तो माइक्रोब्स का यूज कहाँ पे होता है, आपको क्वेश्चन आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, जब हम एरेशन टैंक में डालते हैं तब जाकर के माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है मैम, माइक्रोब्स आप डालते हो या फिर ऑलरेडी उसमें? नहीं नहीं, मतलब डालते नहीं है, माइक्रोब्स तो उसमें ऑलरेडी रहते हैं ना, दुनिया भर के माइक्रोब्स रहते हैं, बाकी वगैरह बैक्टीरिया सब दुनिया भर के माइक्रोब्स रहते हैं, उसमें एल्गी वगैरह सब रहते हैं। ठीक, तो सभी मिल करके क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, फ्लॉक बन जाते हैं। मैम मुझे बस एक स्टेटमेंट बता दीजिए सही है या नहीं। मैम स्टेटमेंट है कि साइक्लोस्पोरिन ए लोअर्स द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स, मैम ये ठीक है ना? हाँ सही है, क्योंकि वो उसको सप्रेस करता है ना, उसको सप्रेस कर रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव होता है। ठीक है, ठीक है, सप्रेस कर रहा है। ओके थैंक यू मैम। ओके तो बच्चे ये समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया आपको, फ्लॉक क्या है, फ्लॉक क्या है, देखो यहाँ पे दिया है ना, बैक्टीरिया फंगी सब मिल करके क्या बना रहे हैं, आपका मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको फ्लॉक बोलते हैं। इफ्लुएंट ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, जो ऊपर वाले चीजें होती हैं जिसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, और नीचे जो है वो क्या है, स्लज कहलाता है। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन जल्दी से कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। हम प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, हाँ। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी क्या इंडिकेट करोड़ा ध्यान से पढ़ लो मैम, डी मैम और कंजप्शन बीओडी मतलब ऑक्सीजन की डिमांड हमेशा पॉल्यूटेड वाटर में, कोई जरूरी है कि वहां पे प्रेजेंट हो? तो मैम लेकिन अभी तो आपने लिखवाया था कि हाई बीओडी मतलब इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, और साथ में मैंने क्या लिखा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इम्प्योर में भी क्या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और वहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा खा रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो ना, मेरी मांगे पूरी करो, क्यों, क्योंकि मैं खा रहा हूँ,
तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। ओके, तो अब हम बायोगैस प्लांट नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे और बाकी बहुत कुछ अभी पढ़ाना, बाकी एक क्लास और लगेगा इसमें। मैम इस चैप्टर की बात क्या हुआ? पिछले क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए ना, वो भी तो नहीं हुआ था। कराया था, उसके तीन क्वेश्चन तो थे, करवाया था मैंने। तो तीन ही थे बस। ये चैप्टर तो इजी है ना? हाँ, क्योंकि इसमें बच्चे मैं कम क्वेश्चन डालती हूँ, फिर से मैं पोलिंग वाला करवाती हूँ ना, और एक दिन तो हम बैठ के पूरा क्वेश्चन ही करते हैं इसका प्रीवियस ईयर, तो फिर होगा तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आपका ये वाला, मोनास्कस परप्यूरस का पर्पस क्या है? मैम सेकंड का डी। यस, ये तो उसी दिन करा दिया था। चलो ठीक है मैम, आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिएगा प्लीज। नहीं, और अब क्या है ना कि अब क्लास में मैं आप लोगों का माइक ऑन नहीं रखूंगी। जब मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर मैं माइक ऑन करूंगी, फिर टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर मैं माइक ऑन करूंगी, क्योंकि मुचुड़ मुचुड़ ज्यादा सब बोलने लगते हैं।